हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी जो ये दर्शक है मिस तबस्सुम, ये जानना चाहते हैं कि मासिक का जांच क्या होता है। शायद इनको किसी ने मासिक के जांच के बारे में बोला है, या फिर ये हमारे क्लिनिक पे आती होंगी और हम लोगों ने बोला होगा। तो मासिक का जांच बताने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर संगीता चौधरी, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ, और बिहार राज्य में जो सिवान स्थित गोशाला रोड स्थित जो हॉस्पिटल है, आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, यानी शॉर्ट में बोले तो एमसी हॉस्पिटल, उसकी मैं डायरेक्टर। अब मासिक के जांच के बारे में कि अक्सर हम लोग ये जांच करते हैं, लगभग प्रतिदिन हम लोग ये जांच करते हैं। किसी न किसी मरीज का ये काम फंसा ही होता है, तो हम लोग करते हैं। मासिक का जांच कहने के लिए तो जांच है, मगर एक तरह से देखिए तो इलाज भी है। वो मैं बाद में बताऊंगी कि इलाज क्यों है। मासिक का जांच अगर आप लगातार बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, और कंसीव नहीं कर पा रहे, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, और आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, तो एक बार मासिक की जांच जरूर करा के देखिए। कारण क्या है कि पहले तो मासिक की जांच करनी क्यों है, इसलिए करनी है कि अगर ट्यूबरकुलोसिस, मतलब बिहार यूपी के जो मरीज हैं उनको ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होती है, बाहर जो लोग हैं उनको ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, बच्चेदानी की टीबी, टीबी बहुत जगह की होती है, जैसे ब्रेन टीबी, स्पाइन टीबी, स्किन टीबी, आई टीबी, कान में भी टीबी हो सकती है, कहीं भी टीबी हो सकती है, लेकिन जो बच्चेदानी के अंदर की टीबी होती है उसमें आपको जनरली कुछ लक्षण नहीं मिलेगा। शुरुआती दौर में तो हो सकता है बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो, क्योंकि वो टीबी का कीटाणु आपके एंडोमेट्रियम, जो मासिक का तह है, पहली तह ऊपरी सतह को खाने लगता है। लेकिन अगर आप इस टीबी की बीमारी को ठीक नहीं करवाते हो, आप ध्यान नहीं देते हो, आप इग्नोर करते हो, बस दर्द, बस आप ब्लीडिंग बंद होने की दवाई खा खा के ट्रनेक्सा क्लॉट वगैरह खा खा के आप ब्लीडिंग रोक लेते हो, या फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट से आप ब्लीडिंग रोक लेते हो, और ये कीटाणु धीरे धीरे आपके बेसल लेयर को, एंडोमेट्रियम के बेसल लेयर को खा जाता है। एंडोमेट्रियम के कई लेयर होते हैं। बेसाइलिस जो सबसे नीचे का लेयर है, कॉम्पैक्टम, स्पॉन्जियोसम, लेकिन वो तो आपका ऊपर खा चुका है, अब उसके पास खाने को कुछ नहीं बचा है, तो वो सबसे अंतिम तह, जहां से नया जेनरेट होता है, सबसे बचदानी के अंतिम तह को खाना शुरू कर देता है। अब इसके बाद आपको क्या होगा कि अब आपको मासिक कम होना शुरू हो जाएगा। जहां आपको मासिक बहुत ज्यादा हो रहा था, अब मासिक आपको बहुत कम होने लगेगा। आप क्या समझेगी कि आप तो ठीक हो रहे हैं, डॉक्टर ने बहुत अच्छी दवाइयां दी है, बहुत अच्छा इलाज किया है डॉक्टर ने, और आप बिल्कुल ठीक होने लगे हैं आप, लेकिन आप जान भी नहीं रहे। बाहर की गोली खाकर आप अपनी मासिक को दबा दे रहे, पर आप जड़ तक नहीं पहुंच रहे कि बीमारी का जड़ क्या है, बीमारी की जड़ क्या है। अगर बीमारी की जड़ टीबी है, तो आपको बच्चा भी नहीं होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि आप मासिक का जांच कराए। उसके दौरान क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से बच्चेदानी के अंदर इंस्ट्रूमेंट डाल के थोड़ा सा टुकड़ा, जो है थोड़ा सा टुकड़ा ऊपरी लेयर, वो ले लेते हैं। वो मासिक के दौरान जनरली ये जांच किया जाता है, जब हमें पता होता है कि मरीज प्रेग्नेंट नहीं है। ऐसे तो ये जांच बुक में, किताबों में लिखा हुआ है कि 22 या 23वां दिन करना चाहिए, लेकिन उनको करना चाहिए जिनके हस्बैंड बाहर हैं, या जिनका कांटेक्ट इस मंथ में नहीं हुआ है हस्बैंड के साथ। लेकिन अगर कोई लगातार हस्बैंड के साथ रह रहा है, और 22वां 23वां दिन अगर हम लोग ये जांच करेंगे, तो अगर प्रेगनेंसी ठहरने वाली होगी तो खराब हो जाएगी। तो हम लोग रिस्क नहीं लेते हुए मासिक के पहले दिन ये काम करते हैं, ताकि पता रहे कि पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है, ताकि हमसे कुछ गलती ना हो जाए कि पेशेंट प्रेग्नेंट थी और हम लोगों ने कर दिया जांच। अगर उसके मासिक के पहले दिन टुकड़ा ज्यादा मिलेगा, पहले या दूसरे दिन आना चाहिए। आकर आप
कुछ देर खाली पेट होना चाहिए। आप जनरल एनेस्थीसिया मतलब कि पूरी बेहोशी में या लोकल एनेस्थीसिया मतलब कि सुन्न करा के भी करा सकते हैं। छोटा सा जांच है, छोटा सा प्रोसीजर है, 5-10 मिनट का है। इसमें क्या करते हैं कि आप को अंदर इंस्ट्रूमेंट ले जाके आपको एनेस्थीसिया देने के बाद अंदर इंस्ट्रूमेंट ले जाके थोड़ा सा टुकड़ा खखोर कर दो डब्बे में बंद करते हैं। दो डब्बा क्यों? एक तो टीबी के लिए जो आज मैं बोल रही हूँ डीएनए पीसीआर, तो ट्यूबरकुलोसिस का डीएनए पीसीआर होना, मगर कौन से टिश्यू का? एंडोमेट्रियल टिश्यू का। और दूसरा जो जांच है वो आपका क्या है? बायोप्सी का जांच है। तो बायोप्सी जो है वो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है वो एंडोमेट्रियल टिश्यू का होगा। बायोप्सी में ग्रैनुलोमा वगैरह मिलेगा तो पता चल जाएगा कि आपको टीबी है, कुछ मैलिग्नेंसी कैंसर वगैरह है तो वो भी पकड़ में आ जाएगा, या फिर आपका सेक्रेटरी फेज में अगर एंडोमेट्रियम है तो मतलब कि रियली आपको पिछली बार अंडा बना था, फूटा था और हार्मोनल आपका कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर प्रोलिफरेटिव फेज में है तो आपको बच्चा कैसे हो सकता है, क्योंकि आपको तो हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट जांच था मासिक का जन जरूरी था। डॉक्टर को समझ में आ गया कि इस पेशेंट के साथ मुझे करना क्या है, नेक्स्ट मंथ में मुझे नेक्स्ट साइकिल में इसको क्या प्लानिंग करनी है, कैसे इसको बच्चा ठहराना है, तो ये जरूरी है ना। तो अब से जब आपकी डॉक्टर कहें कि ये मासिक की जांच करानी है तो करानी होगी, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए है। डॉक्टर का क्या है, आप नहीं तो कोई और पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाएंगे, डॉक्टर को तो खुशी मिल जाएगी, लेकिन आपकी खुशी आपके प्रेगनेंसी से होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों यारों फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ना दबाना ना भूलें। सब्बा खैर, गुड नाइट, खुदा हाफिज, धन्यवाद।